हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ट्रैक आपके लिए लिखा गया है क्लास 10th एसएसटी डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी सिविक्स चैप्टर 3 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स। चैप्टर का टाइटल है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी मीन्स अ गवर्नमेंट विच इज़ फॉर्म्ड बाय द पीपल एंड हाउ डेमोक्रेसी इज लिंक्ड विद डाइवर्सिटी, दिस इज डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। इस पिक्चर को देखिए, ये ट्रूली रिप्रेजेंट्स इंडियन डाइवर्सिटी। हमने देखा कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के पीपल रहते हैं, जो फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट ट्रेडिशंस, डिफरेंट कल्चर्स, दे स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेज, एंड दिस इज़ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। सो हाउ अ डेमोक्रेटिक कंट्री हैज़ टू एडजस्ट विद द डाइवर्स पॉपुलेशन, इट इज़ डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। चैप्टर शुरू होता है इवेंट्स विच टुक प्लेस इन मैक्सिको ओलंपिक्स इन 1968। इस फिगर को देखिए, इसमें आपको दिख रहे हैं 3 एथलीट्स जिन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए मैक्सिको ओलंपिक्स के अवार्ड सेरेमनी में आवाज़ उठाई थी। ये एथलीट्स हैं टॉमी स्मिथ, जॉन कॉलर्स एंड पीटर नॉर्मन। दे हैड वन द मेडल्स गोल्ड, ब्रॉन्ज एंड सिल्वर रिस्पेक्टिवली इन द 200 मीटर्स रेस इन मैक्सिको ओलंपिक्स। एंड इन द अवार्ड सेरेमनी दे डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बाय रेजिंग देयर फिस्ट इन द एयर एंड बाय वियरिंग ब्लैक सॉक्स। ये घटना प्रूव करती है कि किस तरह से इन डिफरेंट सोसाइटीज डिस्क्रिमिनेशन इज प्रैक्टिस्ड बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज। सो द चैप्टर टॉक्स अबाउट दैट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड। सो फर्स्ट टर्म विच इज़ यूज इन दिस चैप्टर इज सोशल डिफरेंसेस। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल डिफरेंस। सोशल डिफरेंस मीन्स डिफरेंसेज विच एग्जिस्ट इन द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन, लैंग्वेजेस एक्सेट्रा। सो इन एवरी सोसाइटी यू विल फाइंड सम डिफरेंसेज। नो सोसाइटी इज होमोजीनियस। सो सोशल डिफरेंसेज आर फाउंड इन एवरी सोसाइटी। But every democratic country has to learn to adjust with social differences. But when the society doesn't adjust with the social difference, it will lead to division of the country. So this is discussed in this chapter. Next important topic is chapter mein hai, what is the origin of social differences? Uske liye 2 points hain. One, first, social differences are based on accident of birth. And social differences are based on our choice. So we choose to belong to our community, we belong to it simply because we are born into it. And some social differences are based on our choices. For example, some people are atheist and some people choose to follow a religion other than one in which they are born. Now let us learn what is the difference between overlapping and cross-cutting social differences. तो सबसे पहले देखते हैं ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस। ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस क्रिएट पॉसिबिलिटीज ऑफ डीप सोशल डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। इन ओवरलैपिंग वन काइंड ऑफ सोशल डिफरेंस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन द अदर। दिस मेक्स पीपल बिगिन टू फील दैट दे बिलोंग टू अ डिफरेंट कम्युनिटी। टेक द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड। इन दिस कंट्री क्लास एंड रिलीजन overlap each other. If you are Catholic, you are likely to be poor, suffering a history of discrimination, and Catholics and Protestants have had a long-standing conflict in Northern Ireland. Ab dekhte hain what is cross-cutting social difference. Cross-cutting social differences are easier to accommodate. In cross-cutting, groups that share a common interest on one issue are sometimes on opposite sides on a different issues. For example, in Netherlands, class and religion tend to cut across each other. So Catholics and Protestants are about equally likely to be poor or rich. Now a very important topic is coming up. What happens when politics joins with social differences? So it is usually said that if politics joins with social differences, it can have 2 effects, one negative and another one positive. Usually it is believed that if politics joins with social differences, it leads to the division of the country, as what happened in Yugoslavia. In Yugoslavia, the country was divided into 6 small different countries because various political parties decided to join
with the various social differences existing in that country. But this type of result is always not found. Sometimes it may also lead to strengthening of democracy when the needs and aspirations of the minority community are looked after and politics joins with this minority group and government also looks after the demands of this group, then it may have a positive effect also. Now we have come to the last section of this chapter and we have to find out how the result can be negative and positive. It depends upon three factors. First factor is the way people perceive their identities. Second factor is how political leaders raise the demand of any community. And third, how the government reacts to the demand of different groups. So it means that everything depends upon these three factors only. First, as people, they have to perceive multiple and plural identities. They should be ready to accommodate social differences in the society. Secondly, the political parties also should raise the demand in such a manner that country should not be divided. Third, government should also try to solve the problems of the people and look at the demands of these minority groups so that every social difference can be accommodated properly in the country.